नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा भी एज ए जब किसी कंपनी हम एज ए अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर फ्रेशर अकाउंटेंट से उसका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अक्सर जब फ्रेशर अकाउंटेंट होता है तो केवल उसको टैली सॉफ्टवेयर का नॉलेज होता है, हालांकि ज़्यादातर उन्होंने कहीं अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करी नहीं होती, तो उनका कॉमन सेंस चेक करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए उनसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा भी हमें इनवॉइस का क्रेडिट नोट बना के दिखाओ। तो दोस्तों, अक्सर जो फ्रेशर अकाउंटेंट है जो गलतियाँ कर देते हैं, बिना सोचे समझे जो इंट्री पास कर देते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम आपको सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से करके भी बताने वाले हैं भी आपसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए भी आपके सामने इस टाइप का इनवॉइस दे दिया जाए और आपको इसी इनवॉइस के बेस पे आपको सिंपल इतना ही बात बोला जाए आप भी कस्टमर का इस इनवॉइस के आधार पर कस्टमर का क्रेडिट नोट तैयार करो। तो आपको किस तरीके से तैयार करना है, क्या आपको इंटरव्यू से भी कुछ बातें जो पूछनी होती हैं, सारी बातें आपके साथ इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली शेयर करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा जा सकता है। ना भी पूछा जाए तो ये आपकी मतलब इन फ्यूचर आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है उस पर बात भी हम चलते हैं। भी क्वेश्चन था भी आपको इस इनवॉइस के आधार पर कस्टमर का क्रेडिट नोट तैयार करना है। अब आप टैक्स इनवॉइस आपने देख लिया भी ये कस्टमर का टैक्स इनवॉइस है जो बना हुआ है, यानी कि अब इसका क्रेडिट नोट तैयार करना है। तो जो फ्रेशर अकाउंटेंट है वो क्रेडिट नोट का मतलब क्या समझते हैं, भी कस्टमर ने हमें सामान वापस रिटर्न कर दिया, यानी कि कंपनी के लिए ये सेल्स रिटर्न है जो बन गया। तो वो क्या करेंगे, अब सेल्स रिटर्न तो बन गया लेकिन अब इसके आधार पर उन्होंने एक बात कुछ भी नहीं पूछी भी जो हमें क्रेडिट नोट तैयार करना है वो अगर सेल्स रिटर्न हुई भी है तो कितनी क्वांटिटी हमारे पास रिटर्न आई है, कितनी क्वांटिटी का हमें क्रेडिट नोट है जो तैयार करना है। पहली बात तो आपको ये पूछनी है। दूसरी बात, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए भी क्रेडिट नोट हम तीन कंडीशन के अंदर इश्यू करते हैं। सबसे पहले हम उस मुद्दे पे चलते हैं कौन कौन से तीन कंडीशन है। पहला भी अगर हमें कोई कस्टमर गुड्स है जो वापस रिटर्न कर देता है तो उस कंडीशन के अंदर हम जो सेल्स रिटर्न है उसका क्रेडिट नोट है जो कस्टमर को इश्यू करते हैं। दूसरा हम करते हैं प्राइस डिफरेंस का, यानी कि प्राइस डिफरेंस का मतलब वो भी हम बात करेंगे। और तीसरा जो हम करते हैं, जो हमारा कस्टमर ने अगर कोई टारगेट अचीव कर लिया है, अगर उसका कोई किसी टाइप की अगर कोई स्कीम बनती है तो स्कीम अगर कोई टारगेट अगर अचीव कस्टमर ने कर लिया तो उसके अगेंस्ट भी कस्टमर को हमें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब तीन टाइप के क्रेडिट नोट होते हैं, ये तीनों के तीनों आपके क्रेडिट नोट वाउचर में ही एंट्रियाँ होनी है। सबसे पहला अगर रिक्वायरमेंट के लिए भी सेल्स रिटर्न का ही बनाना है तो सेल्स रिटर्न के अंदर आपको एक बात जरूर पूछनी है भी जो सेल्स रिटर्न हम बना तो रहे हैं लेकिन कस्टमर ने इस प्रोडक्ट के जो हमने प्रोडक्ट सेल किए हैं कितने प्रोडक्ट वापस किए हैं, या सारे के सारे वापस किए हैं, या इसमें से कुछ पीस है जो हमें कंपनी ने कस्टमर ने रिटर्न किए हैं। तो एक बात आपको ये पूछनी है। दूसरी बात भी आपको क्रेडिट नोट बनाना है तो क्रेडिट नोट किस बेस पर तैयार करना है, भी कस्टमर से हमने कोई प्राइस को ज़्यादा ले लिया उसका रेट डिफरेंस का हमें तैयार करना है, या मान लीजिए इस कस्टमर को जैसे एबीसी हमारा कस्टमर है, इस कस्टमर को हमने ये जो प्रोडक्ट सेल किए हैं, जैसे हमने इस कस्टमर को ये प्रोडक्ट सेल कर दिए, मान लीजिए कस्टमर ने हमारा जो टारगेट दिया था हमने इस माउस का प्रोडक्ट मान लीजिए 10 पीस का, और हमारी इसी कस्टमर के साथ ये बात भी हुई थी अगर आप हमारे से माउस विद वायर का प्रोडक्ट है 10 पीस वन टाइम अगर आप ले लेते हो तो हम आपको 100 रुपये का 200 रुपये का 300 रुपये का अलग से डिस्काउंट दे देंगे। तो ये तीन टाइप के आपको क्रेडिट नोट तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन जो फ्रेशर अकाउंटेंट है वो केवल एक ही बात समझता है भी जो क्रेडिट नोट होता है वो खाली सेल रिटर्न का ही होता है, इसके अलावा और कोई क्रेडिट नोट नहीं होता। तो दोस्तों, अब इसकी एंट्री अगर आपको किस तरीके से करनी है, अब मान लीजिए सेल्स रिटर्न की करनी है तो सेल रिटर्न की कंडीशन के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना होगा, भी सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है भी कस्टमर को आपने जो सेल इनवॉइस इशू किया था उस इनवॉइस का नंबर क्या है,
दूसरा उसकी इनवॉइस की डेट क्या है, ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं भी, अगर आपको बोल दिए भी सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न किस तरीके से एंट्री हम करेंगे, वाउचर पे हम जाएंगे और उसके बाद में आपको यहाँ से क्रेडिट नोट लेके आना होगा। तो क्रेडिट नोट आप अदर वाउचर पे भी जा के देख सकते हो, नहीं तो आप इसकी शॉर्टकट जो की है एल्ट F6 इसको भी यूज़ कर सकते हो। हमने यूज़ किया तो आप देख रहे हो क्रेडिट नोट आ गया। अब क्रेडिट नोट अगर आपने फर्स्ट है तो एक नंबर क्रेडिट नोट हो जाएगा और उसके बाद में पार्टी का नाम ABC ट्रेडिंग कंपनी और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम अब आपको ये बात पूछनी है भी कौन सी आइटम है जो रिटर्न करी है। मान लीजिए आपने कस्टमर ने माउस विद वायर के ये 3 पीस है जो रिटर्न कर दिए 10 में से और 850 रुपये इसका रेट है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, माउस विद वायर को सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी हम 3 डालेंगे और 850 इसका जो रेट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको मैनुअल रूप से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद के अंदर अब यहाँ पर जो हमें लेज़र क्रिएट करना है, जो आपने सेल के दौरान जो लेज़र सेलेक्ट किया था वो GST हमारा सेल लोकल की GST 18% की सेल थी कंप्यूटर पार्ट्स की। तो अब यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपकी सेल्स रिटर्न हो रही है तो सेल्स रिटर्न के आपको एक लेज़र आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये सेल्स रिटर्न का लेज़र है जो क्रिएट किया हुआ है, और सेल्स रिटर्न का लेज़र हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि सेल्स रिटर्न GST 18% कंप्यूटर पार्ट्स। और जब हमने सेल का लेज़र क्रिएट किया था तो हमारे पास लेज़र आया था GST सेल्स 18% कंप्यूटर पार्ट्स का, यानी कि सेल थी और एक सेल रिटर्न हमने अलग अलग लेज़र क्रिएट किए हुए। अगर आप दोनों के लिए कॉमन लेज़र यूज़ करते हो तो भी आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर हम रखते हैं इसको सेल्स टैक्सेबल, और उसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे CGST टैक्स और SGST टैक्स। और उसके बाद में आपसे प्रोवाइड GST डिटेल के अंदर आप डिटेल पूछेगा, इसको आपको यस कर देना है। और उसके बाद के अंदर आपसे यहाँ पे पूछेगा भी रीज़न ऑफ इशूंग नोट, यानी कि जो आपने क्रेडिट नोट इशू किया है वो किस कंडीशन में किया है। तो अब आपके लिए तो एक तरीके के सेल रिटर्न है तो आप सेल रिटर्न यहाँ से सेलेक्ट करोगे। और उसके बाद में बायर्स डेबिट नोट, तो बायर्स ने तो आपको डेबिट नोट दिया ही नहीं है तो आप ये ऑप्शन आपका खाली रह जाएगा। और इंटरप्रेस करते हम इस वाउचर को यहाँ पर सेव कर देंगे। तो वैसे तो आप अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आप जो आपने इशू इनवॉइस जो इशू किया था आपने उस इनवॉइस का भी आप रिकॉर्ड यहाँ से ले सकते हो। तो आप कोई भी पुराना रिकॉर्ड, जैसे मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ और इंटरप्रेस करते हैं, इस वाउचर को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो था हमारा। अब जैसे हम पार्टी का लेज़र वापस खोलते हैं, डिस्प्ले पर गए, अकाउंट्स पर गए, लेज़र पर गए और हमारी ABC ट्रेडिंग कंपनी थी। तो ये जो इनवॉइस था हमारा फर्स्ट इनवॉइस, ये इनवॉइस था और ये इनवॉइस हमने सेल का किया था। तो हमने ये लेज़र सेलेक्ट किया था GST 18% सेल्स लोकल की। तो कस्टमर ने हमें गुड्स जो रिटर्न कर दिया, जो भी रिटर्न किया है उसका हमने यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू कर दिया और ये 3,009 रुपये की अमाउंट बन गई। अब मान लीजिए ये तो था, अगर आपको ये बात बोल दी जाए भी आपको सेल रिटर्न का बनाना है और इतने प्रोडक्ट आपके पास है जो वापस आए हैं, तो इस कंडीशन के अंदर आप ये क्रेडिट नोट इस तरीके से हम बनाएंगे। दूसरा बात, अब तीसरे, अगर मान लीजिए आपको कुछ भी ना बोले तो आपको ये तीनों सवाल आपको यहाँ से करने पड़ेंगे भी हमें क्रेडिट नोट इशू करना है, सेल रिटर्न का करना है, कोई प्राइस डिफरेंस का करना है, या फिर कस्टमर ने हमारी कोई स्कीम टारगेट अचीव करी है उसके अगेंस्ट में कस्टमर को कुछ है जो डिस्काउंट वगैरह देना है। तो अगर मान लीजिए सेल रिटर्न नहीं है, प्राइस डिफरेंस का देना है, तो प्राइस डिफरेंस हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इस क्रेडिट नोट को हम करेंगे डिलीट, LTD के साथ डिलीट कर देंगे। तो प्राइस डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, जैसा कि ये कस्टमर है, अभी इस कस्टमर को हमने क्या किया, ये जो 10 पीस हमने प्रोडक्ट सेल किए हैं इसका रेट हमने 850 रुपये के हिसाब से लगा दिया, जबकि हमें रेट है जो 800 रुपये ही लगाना था, यानी कि 50 रुपये हमने फालतू ले लिए। ये टैक्सेबल वैल्यू है तो इसके ऊपर टैक्स अभी और लगेगा। तो अगर हम बेसिक वैल्यू की बात करें तो 10 × 5 अगर हम 50 करेंगे तो इसका मतलब 500 रुपये इसके बन गए, तो यानी कि 500 रुपये हमने कस्टमर से ज़्यादा ले लिए। यहाँ पर जो बेसिक वैल्यू है वो 8,000 रुपये ही बननी थी जबकि 8,500 बन गई 850 रुपये के हिसाब से। तो इस 50 रुपये का हमें डिफरेंस है जो कम करना है। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे और क्रेडिट नोट वाउचर ही हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है Alt F6 के साथ में। लेकिन अब आपको यहाँ से मोड चेंज कर लेना होगा, तो चेंज मोड आपको करना है और अब इस कंडीशन में हम करेंगे एज ए वाउचर। तो वाउचर की कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट आपका एक नंबर रह जाएगा, तो इस कंडीशन में ABC का जो हमारा लेजर है उसको टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट कितने क्रेडिट करने हैं
₹500 और प्लस 18% का टैक्स। तो हम करेंगे भी 500, कैलकुलेटर से हम यूज़ करके देखेंगे जो भी अमाउंट हमारे पास आएगी, 500 × 18% टोटल हम जोड़ के लिखेंगे, यानी कि ₹500 और ₹90, टोटल ₹590 हम कस्टमर के क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद के अंदर जो हमारी डेबिट रहेगी, अब जो डेबिट हमें किसको करना है, उसी सेल को ही वापस डेबिट करेंगे। तो जो हमारी लोकल की जो सेल थी GST 18%, उसी को हम डेबिट करेंगे यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल। और क्वांटिटी आपको आइटम कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि आइटम हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो टैक्सेबल वैल्यू की बनेगी ₹500। और उसके बाद में CGST टैक्स हमारा रहेगा ₹45 और दूसरा टैक्स भी ₹45। अब प्रोवाइड GST डिटेल को यस करेंगे। अब इस कंडीशन में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अदर्स को, क्योंकि ये हमारा प्राइस डिफरेंस है, तो रीजंस के अंदर यूज करेंगे अदर्स को। और कस्टमर ने हमें कोई डेबिट नोट दिया नहीं, तो ये खाली हो जाएगा और इसको हम कर देंगे ओवरराइड। अब हम वापस चलते हैं कस्टमर का लेजर देखने के लिए। डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पे जाएंगे और लेजर पर जाएंगे, ABC ट्रेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हो हमने कस्टमर से जो ₹590 फालतू ले लिए थे, वो अब ₹590 इसके क्रेडिट हो जाएंगे इस क्रेडिट नोट के जरिए। और ये था हमारा सेकंड ऑप्शन, जो प्राइस डिफरेंस के अगेंस्ट के अंदर अगर हमें क्रेडिट नोट इशू करना हो तो। अब तीसरा स्कीम टारगेट। स्कीम टारगेट का मतलब भी कस्टमर ने, मान लीजिए ये 10 पीस का हमने कस्टमर को बोला था कि अगर आप 10 पीस वन टाइम हमारे से परचेज करते हो तो हम आपको ₹100 का डिस्काउंट देंगे, यानी कि नेट ₹100 का देंगे। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक जर्नल क्रेडिट नोट, अगर चाहो तो आप क्रेडिट नोट के अंदर ही इसकी वाउचर एंट्री आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसकी जर्नल वाउचर की एंट्री भी पास कर सकते हो। तो इस वाउचर को अभी हम एक बार डिलीट कर देंगे और अब उसके बाद में हम चलो क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं, वाउचर पे जाएंगे, Alt+6 हम यूज़ करेंगे। तो वाउचर आपको मोड ही रखना है। तो उस कंडीशन में हम वापस ABC को सिलेक्ट करेंगे, ₹100 क्रेडिट करेंगे। और अब हम यहाँ से एक नया लेज़र हम क्रिएट कर लेंगे हमारी तरफ से, जो हमारी कंपनी के लिए अब एक तरीके का एक्सपेंसेस हो गया। तो हम यहाँ पर मान लीजिए एक लेज़र क्रिएट कर लिया, टारगेट स्कीम एक्सपेंसेस। तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। GST हम इसके कोई एप्लीकेबल नहीं करें तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे, TDS भी नॉट एप्लीकेबल रहने वाला है इसके ऊपर। और ये इस तरीके से सिंपल जर्नल एंट्री पास कर देंगे। वापस हम लेज़र कर देखते हैं कस्टमर का, ABC ट्रेडिंग कंपनी का। तो आप देख रहे हो ये ₹100 ये क्रेडिट हो गए, जो हमने कमिटमेंट किया था भी अगर हमारा प्रोडक्ट आप इतने वन टाइम पीस है जो हमारे से खरीद लेते हो तो हम आपको ₹100 का डिस्काउंट देंगे। तो ये तीनों कंडीशन के अंदर हमें क्रेडिट नोट इशू करना होता है। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है भी सेल, केवल जो क्रेडिट नोट होता है वो सेल रिटर्न ही होता है। सेल रिटर्न के अलावा दो और ऑप्शन भी होते हैं जो हमें क्रेडिट नोट के अंदर यूज़ करने होते हैं कस्टमर को देने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।